नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीपी स्मार्ट क्लासेस में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में असिस्टेंट प्रोफेसर की एक नई भर्ती आई है, उसके बारे में पूरी जानकारी आपको दी जाएगी और आरओ एआरओ उत्तर प्रदेश में जो भर्ती होनी है उसके विज्ञापन की अपडेट इस वीडियो में दी जाएगी। तो दोस्तों, वीडियो को फटाफट लाइक और शेयर कर लें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। पहले असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे देखिए, ये कॉलेज ऑफ वोकेशनल स्टडीज़ दिल्ली विश्वविद्यालय के अंतर्गत ये कॉलेज आता है और यहाँ से 16 मार्च को ये वैकेंसी आई है। 7th पे कमीशन के थ्रू पे लेवल 10 यानी कि 57,700 से लेके 1,82,400 की स्केल इसमें है और 15/4/2023 यानी कि 15 अप्रैल तक आप इसमें ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। वेबसाइट यहाँ पे दी गई है, इस वेबसाइट पे जाके आपको आवेदन करना है। पदों की संख्या बता दें आपको, कॉमर्स में टोटल 38 पद है, कंप्यूटर साइंस में एक पद है, इकोनॉमिक्स में 11 है, इंग्लिश में 15 है, इन्वायरमेंटल स्टडीज़ में 2, हिंदी में 13, हिस्ट्री में 11, मैथमेटिक्स में 1, मैनेजमेंट में 8, फिजिकल एजुकेशन में 1, पॉलिटिकल साइंस में 2 और टूरिज्म में 3। टोटल 106 पद हैं इसमें और इन पदों पर जो ये भर्ती निकली हुई है ये असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती है और यहाँ पे वेबसाइट जो दी गई है इस पर जाकर आप आवेदन कर सकते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती के लिए आपको मालूम है कि एक नया रूल आया है जिसमें जो है आपको पीएचडी करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने नेट क्वालिफाई किया हुआ है, नेट का एग्ज़ाम अगर आपका क्लियर है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आरओ एआरओ के विज्ञापन का छात्र बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। पिछला विज्ञापन जो आया था वो उसकी भर्ती पूरी हो चुकी है और नए विज्ञापन के लिए यहाँ पे जो अध्याचन दिया गया था उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को वो दिया जा चुका है। तो इससे पूर्व जो आयोग ने विज्ञापन निकाला था 2021 में निकाला था, 2022 में काफ़ी बेसब्री से छात्रों का इंतजार था कि नवंबर दिसंबर में आरओ एआरओ का विज्ञापन आ जाएगा, लेकिन ये विज्ञापन नहीं आया और अब 2023 आ चुका है। कुछ माह पहले एक अभ्यर्थी ने जब सूचना के अधिकार के तहत आयोग से जानकारी मांगी थी तब आयोग ने माना था कि आरओ एआरओ के रिक्त पदों का अध्याचन मिल चुका है और आयोग के सूत्रों का कहना है कि इस भर्ती के मामले में भी समकक्ष योग्यता यानी कि समकक्ष अर्हता जो होती है उसको लेकर शासन से स्थिति स्पष्ट करने की बात कही जा रही है और उसी का इंतजार किया जा रहा है, इसीलिए इस विज्ञापन जो है अटका हुआ है। यहाँ पे समकक्ष योग्यता की बात अगर हम करेंगे तो ओ लेवल की यहाँ पे बात की जाती है जो कि ए आर ओ के लिए होती है, आर ओ के लिए नहीं होती है। ओ लेवल ज़रूरी नहीं होता है, ए आर ओ के लिए ओ लेवल ज़रूरी होता है। देखिए, इसी एक परीक्षा से अगर आपके ज़्यादा नंबर रहेंगे तो आप आर ओ बन जाएंगे, रिव्यू ऑफिसर और समीक्षा अधिकारी, और अगर आपके मार्क्स कम रहेंगे तो आप ए आर ओ बन जाएंगे, असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर, और यही असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर प्रमोशन होकर भी आर ओ बनते हैं। तो ए आर ओ में ओ लेवल यानी कंप्यूटर कोर्स की जानकारी आपके पास होनी चाहिए। तो कंप्यूटर कोर्स बहुत तरह के होते हैं, कुछ लोग बीटेक किए होते हैं, कुछ लोग बीसीए, कुछ लोग एमसीए। तो कौन कौन से कंप्यूटर कोर्स इसमें एलिजिबल है, कौन कौन से कंप्यूटर कोर्स वाले छात्र, क्योंकि पहले समस्या हो चुकी है इसलिए शासन स्तर से ये जानकारी मांगी गई है कि किन किन कोर्स को इसमें मान्यता दी जाएगी, इक्विवेलेंट कौन कौन से कोर्स होंगे। जब उसकी लिस्ट बन जाएगी कि हाँ ये कोर्स होंगे तभी इस भर्ती का विज्ञापन जारी किया जाएगा, क्योंकि जो समकक्ष योग्यता अगर क्लियर नहीं रहती विज्ञापन में तो छात्र बाद में कोर्ट चले जाते हैं और भर्ती इस प्रकार से अटक जाती है। तो थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा आपको आर ओ ए आर ओ की इस भर्ती के लिए, उसके बाद ही इसका विज्ञापन जारी करेगा। लेकिन आपको तैयारी अपनी शुरू कर देनी है। आर ओ ए आर ओ एक बहुत अच्छी वैकेंसी होती है, इसके बारे में डिटेल जानकारी चाहिए तो आप सी पी स्मार्ट क्लासेस चैनल पर क्या होता है आर ओ ए आर ओ टॉपिक सर्च करके देख लीजिए, पूरी जानकारी उसमें आपको दी जाएगी। और जो हमारा मोबाइल एप्लीकेशन है उस पर आर ओ ए आर ओ की टेस्ट सीरीज चल रही है तो आप उसको ज्वाइन करके अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस उसमें हैं और बहुत सारे टेस्ट उसमें हैं जिससे आपका एग्ज़ाम में जिस तरह का टेस्ट आता है, सेम पेपर आता है, सेम उसी पैटर्न पर बनाए गए हैं। दोस्तों, ये हो गई आज की अपडेट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।